दोस्तों क्या आपको मालूम है, जब धनुष यज्ञ हुआ था यानी जब सीता जी का स्वयंवर था, तो वहां रावण भी आया था। जी हाँ, रावण आया था। रावण के साथ साथ बाणासुर भी आया था। बाणासुर रावण का गुरु भाई था, दोनों एक ही गुरुकुल में एक ही साथ पढ़ते थे, एक ही गुरु के शिष्य थे। बाणासुर ने रावण को बहुत समझाने की कोशिश की कि शिव के धनुष को हाथ ना लगाए, उसको ना तोड़े, क्योंकि वो रावण के आराध्य शिव का धनुष है, उसको तोड़ने का पाप ना करे। लेकिन रावण अपने घमंड में चूर और भला बुरा कर कह करके बाणासुर को चुप कर देता है। लेकिन जब जैसे ही वो शिव के धनुष को तोड़ने की कोशिश करता है, उसके पास जाता है, तभी वहाँ आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में बताया जाता है कि रावण की पुत्री कुंभीनशी का मैदानव ने अपहरण कर लिया है। मेघनाथ तपस्या में बैठा हुआ है, कुंभकर्ण सो रहा है और उसकी रक्षा के लिए कोई नहीं है। इसलिए रावण को वो धनुष यज्ञ छोड़ के जाना पड़ता है। अगर रावण छोड़कर नहीं जाता तो शायद रावण भी तोड़ सकता था शिव का धनुष, क्योंकि अपार शक्ति थी, ज्ञानी था, शिव जी का महान भक्त था। लेकिन कहते हैं ना कि पूरी रचना ही नारायण की थी, तो भला रावण कैसे तोड़ता शिव का धनुष? नारायण ने जो लिखा था, होना तो उसी के हिसाब से था। उधर जनक जी ने जब ये देखा कि शिव के धनुष को कोई राजा महाराजा हिला भी नहीं पा रहा है, तो उसने वैन में फंसे हुए कुछ ऐसे बाण छोड़े जिनको लक्ष्मण जी सह नहीं पाए, और क्षत्रिय कुल का वो दीपक, सूर्य वंश का वो उजाला जनक जी को टूट पड़ता है अपने शब्दों के मारे। सबको कायर बताना मुनासिब नहीं।
Oh,
इसमें रघुनाथ जी का क्या दोष है? हे मुनिराज, आप बिना किसी कारण विद्रोह कर रहे हैं। आज मैंने इसके गले
सीता चढ़ गया और क्योंकि जब धनुष पर बाण संधान कर लिया जाता है तो वो खाने नहीं जाता, इसलिए परशुराम जी ने कहा कि मेरे जो पुण्य लोग मैंने अर्जित किए हैं इसके कारण मेरा अभिमान बहुत बढ़ गया है कि आप